और मार्वल वालों कर दी अवेंजर्स 5 लीक। हाल ही में एक अवेंजर्स 5 की क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल, एंटमैन, फैल्कन को देख सकते हैं जो कि अल्ट्रॉन बॉट से लड़ रहे हैं। अब ये पक्का नहीं है कि ये अवेंजर्स 5 का सीन है या फिर आने वाली एंटमैन मूवी का सीन है, लेकिन जब तुम इस सीन को देखोगे तुम सेटिस्फाई नहीं होगे यार। मतलब अब वो मजा नहीं आ रहा है जो पहले अपन को आता था। और देखो यार, मार्वल वाले काटने में तो नंबर 1 है, मुझे नहीं लगता वो इतनी बड़ी गलती भी करेंगे। मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है पता चले ये कुछ नया ही लॉन्च कर दे, अपना कोई गेम वगैरह या फिर अपनी कोई दूसरी चीज, और अपने मार्वल फैंस का एक साथ काटे। वैसे अगर तुमने ये लीक सीन देखा है मुझे कमेंट में बताओ यार तुम्हें कैसा लगा। क्या सच में डॉक्टर स्ट्रेंज इतना वीक है यार? तुमको भी पता है मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस के अंदर किस तरह अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की बेइज्जती हुई यार। एक ऐसा बंदा जिसने लिटरली थेनोस को 4 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ हराया, डोरमामू जैसे डार्क डायमेंशन के खतरनाक विलन को हराया। अब वो बात अलग है कि एक मकड़ा आके इसको मिरर डायमेंशन में कैद कर गया। बिना टाइम स्टोन के भी अपना डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मार्वल वालों ने तो इस कैरेक्टर की वैसे ही बजा रखी है। मार्वल से एक मेरी रिक्वेस्ट है, डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ द मल्टीवर्स नाम रखा ही क्यों? इसकी जगह रख देते वांडा मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस। यहाँ पर मैं वांडा को हेट नहीं दे रहा हूँ यार, वो तो अपनी क्रश है। मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि एक फीमेल कैरेक्टर को तुम लोगों ने पावरफुल दिखाने के लिए एक मेल कैरेक्टर जो कि लिटरली बहुत पावरफुल है उसको बच्चों जैसे दिखा रहे हो यार। कि डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर दम तो है। स्पाइडरमैन वर्सेस शैंग-ची, अगर इन दोनों के बीच तो कौन जीतेगा? देखो यार, ये दोनों लौंडे हाल ही में जवान हुए, मतलब एक स्पाइडर किड से स्पाइडरमैन बना है और दूसरे को कुछ चूड़िया मिली है। अगर अपन बात करें शैंग-ची की तो मार्शल आर्ट में बहुत तेज है, लिटरली इसने अपने बाप को टपली मार के 10 रिंग्स ली थी और इसने डार्क डेमोन को भी मारा है। और शैंग-ची 10 रिंग्स के साथ हजारों साल तक जी सकता है, इमोर्टिलिटी की पावर भी मिल जाती है। बात करें अपने फ्रेंडली हुड स्पाइडरमैन की, यार ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। लिटरली थानोस को लात घुसे मारे थे, डॉक्टर स्ट्रेंज को मिरर वर्ल्ड में कैद किया था, एक बड़ी क्रूज शिप को रोका था, मिस्टीरियो को पेला था। देखो यार, सच बताऊं तो दोनों के दोनों अपनी लर्निंग स्टेज पे। हालांकि स्पाइडरमैन के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, मैं यहाँ पे कॉमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि शैंग-ची स्पाइडरमैन से हार जाएगा। शैंग-ची के पास मार्शल आर्ट और अपनी 10 रिंग्स है। अगर अपना स्पाइडरमैन दिमाग को यूज करे तो वो शैंग-ची को मारने के कैपेबल है। वैसे चलो ये चीज मैं तुम पे छोड़ता हूँ, स्पाइडरमैन और शैंग-ची कौन पावरफुल है कमेंट करके बताओ। थॉर को कौन सा हथौड़ा पसंद है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकर या फिर मियोमिर? तो यार देखो, अगर तुम्हें एवेंजर्स एंड गेम याद है उसके अंदर जब कैप्टन के पास स्ट्रॉन्ग ब्रेकर चला जाता है तब अपना थॉर बोलता है ये मियोमिर तुम लो और स्ट्रॉन्ग ब्रेकर मुझे दो। एक बार को मियोमिर थॉर की पावर्स को कंट्रोल करने का काम भी करता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकर होता है वो फुल पोटेंशियल में थॉर की पावर को यूज करता है। इससे एक बार साबित होती है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। थॉर लव एंड थंडर में ये वाला टीवी स्पॉट देख के सच में मजा आ गया यार। पता नहीं मुझे ये सीन बहुत ज्यादा क्यूट क्यों लग रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकर के गाल होते ना सच में मैं खींच देता उसको। और मियोमिर शायद थॉर के ऊपर इसलिए गुस्सा है कि साला जब टूटा तो थॉर ने कासू भी ना बहा, कम से कम सालों को उठा के दफना तो देता। अभी मियोमिर गुस्सा है थॉर पर, लेकिन मैं तुमको 100% बोलता हूँ थॉर लव एंड थंडर में एक ऐसा सीन जरूर आएगा तब मियोमिर थोड़ी टाइम के लिए सही लेकिन जेन फॉस्टर को छोड़ के अपने थॉर के पास जाएगा। मियोमिर को होल करने वाला सबसे ज्यादा मालिक थॉर ही है यार। वैसे मुझे तो थॉर का तीसरा वाला हथौड़ा बहुत मस्त लगा, हालांकि मैंने देखा तो नहीं लेकिन रिएक्शन देख के तो। जब अपना डॉक्टर स्ट्रेंज इतना टाइम स्टोन के साथ खेल के आगे पीछे देख सकता है तब उसने ये क्यों नहीं देखा कि वो खुद भी तो स्नैप कर सकता है? आखिर क्यों अपना डॉक्टर स्ट्रेंज ने एवेंजर्स एंड गेम में स्नैप नहीं किया? तो इसका आंसर मैं तुम्हें देता हूँ। देखो यार, ये जितने भी जादूगर होते हैं ना यार, इनके गोदा में इतना दम नहीं होता, मतलब इनके अंदर ना तो इतनी स्ट्रेंथ होती है और ना इनके हाथों में इतना दम होता है। मतलब ये किसी को लात घुसे मार के यूं हवा में नहीं उड़ा सकते हल्क और सुपरमैन जैसे। सारी पावर इनका मैजिक होता है। अब ये मत बोलना ओडिन और हेला तो है भाई साहब, वो वॉरियर्स भी है। थॉर की माँ को देख लो, इतनी पावरफुल मैजिशियन होने के बाद भी तो मर गई ना। लोकी को देख लो, वो भी कितना पावरफुल मैजिशियन है फिर भी मर गया। तो डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन्स को कंट्रोल करने के कैपेबल तो है, लेकिन इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहन के वो स्नैप नहीं कर सकता। लेकिन मान लो फिर भी अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को स्नैप करना होता तो उसको पावर्स लेनी पड़ती किसी डार्क वर्ल्ड से।